तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दादी भी आ चुके हैं और चाची भी आ चुके हैं और अभी हमारे पास है दो दो स्कूटी। तो यहाँ पर आदर्श आते ही चौमिन खाने बैठ गए हैं, साथ में चाचा भी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, मेरा नाम है प्रीतम नेगी, मेरे गांव का नाम है बेड़ी, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिलहाल इन दिनों आया हूँ मैं देहरादून पेपर देने, क्योंकि देहरादून में था मेरा एसएससी का पेपर। तो पेपर तो हो चुके हैं और अभी मैं आ रहा हूँ चाची लोगों के घर। तो फिलहाल आज ना सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, लेकिन अभी बारिश बंद हो चुकी है और बिल्कुल मौसम इतना अच्छा हो रहा है। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ छत पे और छत से जो इधर उधर का व्यू है ना, बहुत ही प्यारा दिखता है। अभी जिस जगह पे चाची लोगों का घर है वहाँ का नाम है बुल्ला वाला। तो ये जस्ट डोई वाला से अंदर जाके पड़ता है बुल्ला वाला। तो अभी जा रहे हैं हम, वहीं जा रहे हैं डोई वाला मार्केट। तो चलते हैं अभी। फिलहाल तो सारे लोग तैयार हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा, क्योंकि मैं भी तैयार हो चुका हूँ। तो चलते हैं। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और फिलहाल यहाँ पे आप गेट में देख सकते हो जो जो बंदा हुआ है, आगे कुछ नहीं है। और यहाँ पे चाचा भी हो चुके हैं तैयार। तो अभी ना ठीक है। मैं निकालने वाला हूँ स्कूटी ये वाले गेट से, आप देख सकते हो। तो यार गाइस, पीछे का टायर फंस चुका है यहाँ पे, तो नहीं निकल रही, तो पीछे से उठाना पड़ेगा, फिर तो जाके बाहर आएगी। तो आ चुके हैं, स्टैंड ब्रेक का। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दादी भी आ चुके हैं और चाची भी आ चुके हैं और एक स्कूटी पीछे से है और एक स्कूटी मेरे पास है यहाँ पे फिलहाल। तो एक स्कूटी तो मैं लेके जाऊँगा, मेरे साथ आएगी दादी और चाचा और चाची एक स्कूटी में आएंगे। तो चलते हैं अभी। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हम डोई वाला मार्केट में। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बीज लेने और लेकिन हमारा हो चुका है यहाँ पे पोपट, क्योंकि जो बीज का है ना, जहाँ से बीज बूज लाना था वो यहाँ पे फिलहाल बंद है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बीज तो हमें मिला नहीं गाइस। तो अभी दादी लोग कर रहे हैं शॉपिंग, शायद दादी ले रही है साड़ी सूड़ी। तो दादी लोग बैठे हैं अंदर और मैं बाहर पे खड़ा हूँ, करना भी क्या है अंदर बैठ के, अंदर खाले ऐसे ही पकड़े तो क्या करें, मार्केट में भी ज़्यादा। तो उसके बाद चलते हैं हम सीधे घर ही चलते हैं। तो फाइनली घर पहुँच चुके हम और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। तो अभी हमने खाना खाया नहीं है, मार्केट में तो खाया नहीं। तो अभी चलते हैं, पहले खाना बनाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधे खाना खाने के बाद। तो गाइस, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और रात भी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं हो गया, आदू हो गया और सारे लोग लगभग, तो सारे जा रहे हैं मंडी, क्योंकि आज है बगल में मंडी लगेगी, वहाँ साग सब्जी लेना है शाम के लिए, रात के लिए। तो चलते हैं मंडी में, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ पे लगी है मंडी। तो चलते हैं, सबसे पहले स्कूटी पार्क करते हैं अपनी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो अभी चल रहे हम आदर्श, उनको ढूंढते हैं। आदर्श आगे भाग गया। तो यहाँ पर आदर्श आते ही चौमिन खाने बैठ गया है और साथ में चाचा भी। तो गाइस, अभी हम आदू के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आदू को पता नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? गुलाब जामुन की दुकान? हाँ शायद नहीं यार, क्यों?
आ जाए देखते हैं इधर को। तो यार भाई ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जूते भी आ रखे हैं और लगभग सारी चीजें आ रखी है, जूते हो गए, चप्पल हो गए। तो शॉपिंग करते हैं थोड़ा, शॉपिंग तो क्या करना, लेकिन सब्जी सुब्जी लेंगे उसके बाद घर चलते हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधे घर में। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुके हैं हम लोग और रात भी काफ़ी हो चुकी है, लगभग पूरे 1.5 घंटे रहे हम वहाँ। 6 बजे गए थे और 7:30 बजे वापस आए। तो जो जो भी भारी था तो जो जो को भी अभी अंदर डाला और अभी रोटी रोटी बनाते हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।